तो गाइस मेरे वाइट हेयर आपको काफ़ी ज़्यादा दिख रहे होंगे, तो मैंने मंगाया है गार्नियर नेचुरल ब्लैक 3.16 शेड नंबर बरगंडी हेयर कलर। तो वो हेयर कलर मैं अप्लाई करने वाली हूँ। तो उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि इसी तरीके की न्यू न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए, उस पर लिखा हुआ 100% कवर हेयर ग्रे हेयर कलर, तो देखते हैं क्या हमारे ग्रे हेयर कवर होते हैं या नहीं। वीडियो में सब कुछ डिटेल में देखने को मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि इसी तरीके की न्यू न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। हम लोग क्या होता है छठ पूजा, तो आज हम लोग निकलेंगे दीदी के यहाँ, जाएंगे अपने, क्योंकि इस बार मैं ससुराल नहीं जा पा रही हूँ, थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी जिसकी वजह से नहीं जा पा रही हूँ। और बाल काफ़ी ज़्यादा वाइट है, तो मैं छठ पूजा में बुढ़िया बिल्कुल नहीं दिखना चाहती हूँ। एंड बाल वाइट रहे तो कितना भी मेकअप लगा लो, कुछ भी कर लो, कॉन्फिडेंट वो वाला नहीं आता है। तो चलिए बालों को पहले काला करते हैं। काफ़ी टाइम से मैं ये वाला कलर यूज कर रही हूँ, बट काफ़ी व्यूवर्स की कमेंट भी आ रही है कि मैम ब्लैक हेयर कलर अप्लाई करो। तो पूरा ब्लैक तो मैं नहीं अप्लाई करूँगी, बट देखते हैं कैसा कलर आता है। आई डोंट नो कैसा कलर आएगा, क्योंकि मैंने अभी तक बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम से हेयर कलर कर रही हूँ और यही वाला कलर कर रही हूँ, तो आज ट्राई करते हैं कुछ डिफरेंट। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल होने वाली है, तो चैनल को लाइक, सॉरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपनी फैमिली फ्रेंड जिसको भी जानते हैं सबके साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कलर को घोलना एंड अप्लाई कैसे करना है सारी चीज़ें। तो ये है गार्नियर नेचुरल ब्लैक हेयर कलर, यहाँ पे 3.16 बरगंडी कलर लिखा हुआ है। तो कैसे अप्लाई करना है, कैसे अपने वाइट बालों को कवर करेंगे इस कलर से, तो सारी चीज़ें वीडियो में देखने को मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हो सारे बाल यहाँ पे वाइट हो गए हैं मेरे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इसको कट कर लेती हूँ और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है। तो इसमें दिया हुआ है एक से आई डोंट नो इससे हो पाएगा मेरा, तो मैं जड़ों में ही अप्लाई करूँगी, लेंथ में नहीं करूँगी, क्योंकि इतने से में नहीं हो पाएगा। और इसमें ये दिया हुआ है पूरा इसमें लिखने के लिए, तो मेरे पास इसमें ब्रश भी नहीं है, और आपको पता है कि मैं अभी शिफ्ट हुई हूँ तो मेरे पास कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, तो मैं इसको टूथब्रश से अप्लाई करूँगी। पहले इसको कट कर लेते हैं, यहाँ पर कट करने के लिए दिया हुआ है, और इसको एक कटोरी में निकाल लेंगे। दूसरा वाला भी कट करेंगे। आई थिंक प्योर ब्लैक तो नहीं होना चाहिए इससे। ये जेल है, इन दोनों को मैंने निकाल लिया है। ये देखिए, स्टैंड भी नहीं है मेरे पास अभी, तो सब कुछ एडजस्ट करके चलना पड़ रहा है गाइस। तो ले आती हूँ मैं टूथब्रश, ब्रश, और किसी ने इसे लॉन्ग टाइम से यूज नहीं किया है, तो चलो इसको हम बालों पे यूज करेंगे। तो कौन कौन ऐसा करता है अगर ब्रश ना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उनको अच्छे से मिक्स कर देंगे, ग्लव्स हो तो ग्लव्स पहन लीजिएगा। तो ये काफ़ी अच्छा सा कलर मिक्स हो गया है पूरा क्रीम की तरह। इसको हम लोग अप्लाई करेंगे अपने बालों पे, मिक्स करने के थोड़ी देर तक इसको छोड़ देना है 1-2 मिनट, ताकि इसका कलर जो है वो अच्छे से आ जाए, और फिर अप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से करेंगे, एंड मैं इसको डायरेक्ट जड़ से अप्लाई कर रही हूँ,
इस तरीके से अप्लाई करेंगे। इस पे लिखा तो हुआ है 100% ग्रे हेयर कवर, बट देखते हैं मेरे ज़्यादातर यहीं पे बाल वाइट है, तो इस तरीके से मैं सारे बालों में अप्लाई कर रही हूँ। देखते हैं ये कितने दिनों तक रहता है ये कलर बालों में। सारी चीज़ें आपको मेरे चैनल पे बने रहिए तो आपको पता चलती रहेंगी। और पहले तो देखते हैं ये हेयर वाइट हेयर कवर करता है कि नहीं करता है। जहाँ पे आपके वाइट हेयर नहीं है मैं एडवाइस दूंगी कि वहाँ पे मत करिए। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब कलर करने से हमारे बाल जल्दी जल्दी वाइट होने लगते हैं, बाकी आपकी मर्जी। मैं शीशा ले लेती हूँ ताकि अच्छे से दिखाई दे, कैमरे में कई बार नहीं दिखाई देता अच्छे से, और हेयर वॉश करने के बाद पता चलता है कि कलर तो आया ही नहीं। तो चलिए शीशा ले लेती हूँ आगे। तो यहाँ पे मैंने लगा लिया है एंड अच्छे से लग गया है। यहाँ पे जहाँ भी वाइट दिख रहा है वहाँ वहाँ पर हम लोग लगाएंगे। जहाँ जहाँ मैंने लगाया है वहाँ वहाँ तो आई थिंक लग रहा है कि कलर आएगा अच्छे से। तो आप भी अगर फर्स्ट टाइम यूज कर सकते हो तो कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि खुजली वगैरह नहीं होता। फिर भी आप एक बार पैच चेक कर लीजिएगा कान के पीछे या फिर यहाँ पे लगा के चेक कर लीजिएगा। आपको कुछ इरिटेशन खुजली वगैरह हो तो आप मत यूज कीजिएगा। कोई भी कलर अप्लाई कर रहे हो एक बार चेक ज़रूर कीजिए। देखते हैं ये कलर कितने दिन तक रहता है। वैसे तो इस पर लिखा होता है कि मतलब 2-3 महीने तक रह जाता है, बट ऐसा नहीं होता है क्योंकि मेरी सासू माँ भी यूज़ करती हैं तो उनके तो बहुत जल्दी हेयर जो हैं वो वापस से वाइट हो जाते हैं, और बहुत जल्दी जल्दी यूज करती हैं वो। तो आई थिंक सब जगह मैंने लगा लिए हैं कलर अच्छे से। और मेरे कपड़ों में ना लग जाए तो इसको मैं इस तरीके से जूड़ा बनाऊंगी। जूड़ा बनाने से पहले थोड़ा थोड़ा मैं लेंथ में भी लगा दे रही हूँ ताकि थोड़ा कलर सेम लगे बालों का। बचे हुए कलर को मैं अपनी लेंथ में अप्लाई कर लूँगी इस तरीके से, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है मुझे। और हाथ तो मेरे पूरा
कलर में रंग गए। देखते हैं बालों का क्या हाल होता है। इस तरीके से करके मैं रबड़ लगा लूँगी यहाँ पे और हाथों को वॉश कर लेते हैं। मिलते हैं कितनी देर के बाद। लिखा हुआ है इस पे बेस्ट रिजल्ट, टाइमिंग इस पे मेंशन नहीं किया हुआ है, तो मैं इसको रखूँगी 30 मिनट तक। 6 वीक दिखाया हुआ है, फिर 6 हफ्ते तक यानी कि 1-1.5 मंथ तक आपका ये रहेगा बालों में। 15 मिनट लिखा हुआ है इस पर, तो मैं 15 मिनट के बाद वॉश कर लूँगी बालों को और फिर मिलेंगे कि कैसा कलर आता है। सारे वाइट हेयर पे मैंने लगा लिए हैं एंड देखते हैं वाइट हेयर कवर होता है नहीं होता है, सारी चीज़ें डिटेल में, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक वॉच कीजिएगा। मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस 15 मिनट हो चुके हैं एंड हेयर काफ़ी लग रहा है कि कलर हो चुके हैं, तो चलते हैं हेयर वॉश करने शैम्पू से, उसके बाद आपको रिजल्ट दिखाती हूँ। हेयर वॉश की वीडियो बहुत सारे वीडियो में डाली हुई हैं, तो अगर आपने नहीं देखा है हेयर वॉश कैसे करना चाहिए तो आप जाकर देख सकते हो। एंड जो मैं हेयर वॉश करने वाली हूँ ये करने वाली हूँ हिमालय एंटी हेयर फॉल शैम्पू से, तो चलिए हेयर वॉश करने के बाद मिलते हैं। कलर तो 100% वाइट हेयर ब्लैक हो चुके हैं, काफ़ी मैं यहाँ पे मिरर में भी देख रही हूँ ताकि आपको अच्छे से रिजल्ट बता पाऊँ। तो ये वाइट हेयर को कवर करता है गाइस, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अगर आप वाइट हेयर के लिए लेना चाहते हो तो ले सकते हो, सफ़ेद बालों को काला कर देता है ये। तो सूखने के बाद बालों का रिजल्ट दिखाती हूँ मैं। और तो गाइस यहाँ पे मैंने बालों को कॉम कर लिया है, गीले बालों में तो पूरे बाल मेरे ब्लैक दिख रहे हैं, बट सूखने के बाद पता नहीं कैसा कलर दिखेगा, अभी तो ब्लैक दिख रहे हैं। एंड वाइट हेयर की बात करें तो वाइट हेयर अच्छे से ये कवर करता है, वाइट हेयर जहाँ पे कलर लगा हुआ है वहाँ पे तो अच्छे से कवर कर दिया है इसने। क्योंकि आप पहले मैं ऐसे बाल उठाते हुए मेरे पुरानी वीडियोज में देखिएगा पूरा वाइट दिखता था यहाँ पे, बट अभी ठीक दिख रहा है। तो वाइट हेयर के लिए आप इसको ले सकते हो गार्नियर नेचुरल ब्लैक हेयर कलर। अब सूखने के बाद देखते हैं कैसा कलर आता है, एंड आज जाना है दीदी के यहाँ, फिर वहाँ पे मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग का छठ पूजा है तो छठ का व्रत करने के लिए मैं जा रही हूँ अपने दीदी के घर पे। तो चलिए मिलेंगे बाद में। और जिसको इसको वाइट हेयर की प्रॉब्लम है तो इतने ही वीडियो पे आप जाके वाइट हेयर के लिए गार्नियर का कलर ले सकते हो और ट्राई कर सकते हो। धूप में जो बालों का कलर है वो दिख रहा है लाइट पिंक में, तो जैसा कि कवर आप देख रहे थे वैसा ही। तो कैसा लग रहा है आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अभी बालों को सुखाने में भी लेट हो जाएगा, फिर मुझे पैकिंग भी करनी है, तो कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है, वाइट हेयर के लिए बेस्ट है, तो आप ये कलर ले सकते हो, ट्राई कर सकते हो, बहुत ज़्यादा ब्लैक नहीं रहेगा बाल, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, तो ट्राई कर सकते हो। थैंक फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। गार्नियर ब्लैक नेचुरल ब्लैक 3.16 बरगंडी कलर में ये वाला कलर आपको देखने को मिलेगा, तो अगर आप ले रहे हो तो आप पैकेट पे चेक कर लीजिएगा। अगर आपको ये कलर चाहिए तो 3.60 बरगंडी कलर लिखा होना चाहिए उस पर, तो आप ये ले सकते हो। बाय बाय।